आम आदमी पार्टी की युवा इकाई ने युवा जिला अध्यक्ष विक्रम चहल के अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय उच्चाणा में युवा सम्मेलन का किया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के यूथ इंचार्ज दीपक जैन और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पश्चिमी हरियाणा के युवा अध्यक्ष कुलबीर दिनोदा उर्फ केडी ने शिरकत की। इस सम्मेलन में युवा संगठन का विस्तार किया गया और कई युवा को जिला और विधानसभा स्तर पर यूथ संगठन में जिम्मेदारियां दी गई। जिला स्तर पर जसवीर नरवाल को युवा संगठन मंत्री, अमित नैन को युवा जिला प्रवक्ता और बिट्टू लोट को युवा जिला सचिव बनाया गया। विधानसभा सत्र पर हरदीप बेलरखा और सुनील नैन को नरवाड़ा विधानसभा का युवा उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं उचाणा विधानसभा में डॉक्टर प्रवीण मखंड को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया। आम आदमी पार्टी के इस प्रोग्राम में भारी संख्या में लोग पहुंचे और सैकड़ों युवाओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। केडी जी, सभी संगीतकार जो है वो अभी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? म्यूजिक इंडस्ट्रीज में काम नहीं है या राजनीतिक पार्टी में ज्यादा? देखो, कलाकार ना, कलाकार बहुत इमोशनल होता है और वो सबकी सोचता है, सबकी केयर करता है। कलाकार जब लिखता है, गाता है, तो उसको अंदर से ये फील आता है कि मैं हर वर्ग के लिए गाऊं। तो यहाँ भी यही विचारधारा है, कलाकार को ज्यादा प्रभावित करती है विचारधारा, जहाँ सबकी बात होती है, पूरे समाज की बात होती है। केडी का क्या मानना है कि संगीत बढ़िया है या राजनीतिक पार्टियाँ बढ़िया है? संगीत बहुत अच्छा है, लेकिन जब संगीत में आपका नाम हो जाए, चार लोग आपके जाने, तो आपकी जिम्मेदारी है जब कभी आपके पास सत्ता परिवर्तन का और अच्छा मौका हो, जब कभी आपको यूं लगे मेरा प्रदेश बदल सकता है, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य हो सकता है, मेरे प्रदेश के लोगों का अच्छा भविष्य हो सकता है, तो उस कलाकार की जिम्मेदारी है आगे आके युवाओं को साथ लाए और सत्ता परिवर्तन का भागीदार बने। जी, अभी आपके जो जितने भी कार्यकर्ता है डोर टू डोर जा रहे हैं, समस्या आ रही है, किस प्रकार से उनका समाधान करेंगे और क्या क्या मुख्य समस्या आ रही है? समस्या आ रही बीजेपी को कि इतने लोग क्यों बढ़ गए, हमें कोई समस्या नहीं आ रही, हमसे तो सब यूँ कह रहे हैं चले रहो भाई हम भी ये ला। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके जो कार्यकर्ता है डोर टू डोर जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो किस प्रकार की समस्या मेन समस्या आ रही है? मेन समस्या लोगों को सबसे बड़ी क्या है, अगर आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं तो पहली समस्या उनको व्यवस्थाओं की है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे स्कूल है, चाहे अस्पताल है, वो चीजें लोगों के पास नहीं है। एक गरीब का घर में कोई बूढ़ा बीमार हो जाए, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते और वो बूढ़ा बेचारा बिलक बिलक मर जाए, वो जिम्मेदारी स्टेट की है, वो जिम्मेदारी उन राजाओं की है जो हमसे टैक्स लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी कि हर आदमी को बचाना इंसानियत के नाते और जिम्मेदार होने के नाते, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है, आपको चुना तो आप सुविधाएं दो, स्कूलों की दो, अस्पतालों की दो। यही समस्याएं लोग लेके आ रहे हैं कि कोई भी आगे होकर आ जाओ भाई, आम आदमी पार्टी के हम साथ हैं ताकि हमारे देश और प्रदेश बदले। जींद डिस्ट्रिक्ट को राजनीतिक गढ़ माना गया है और अभी आप जींद से ही हो और जींद से ही आपकी पार्टी जो हरियाणा से लड़ेगी, तो यहाँ पे किस प्रकार से राजनीतिक पार्टी को देख रहे हो आप, क्या है मतलब मुद्दा यहाँ पर जो मेन समस्या आ रही है? सिर्फ जींद का नहीं, पूरे हरियाणा की मेन समस्या कॉमन है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, युवा भटक रहे हैं। मैं तो कहता हूँ शायद आप भी, अगर आपके पास कोई अच्छी पोस्ट होती, अच्छी जॉब होती, शायद आपको इस तरफ ना आना पड़ता, शायद मैं मानता हूँ आप कोई ना कोई अच्छी जॉब कर रहे होते, आपको भी उड़ जाके रखा हुआ है, युवाओं को भी उड़ जाके रखा हुआ है। युवाओं को जब से जियो आया है बरगला दिया है, युवा चार वीडियो बना हुए हैं इंस्टा रील पर, वो इन्हें सोचे मार दो काम है, पूरा दिन नाचे जावा गाने लाकर है, उनको महसूस ही नहीं होने देते ये लोग कि तुम लोग बेरोजगार हो, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें लुभावनी दे दी, जियो दे दिया फ्री में, अरे जियो का क्या करेंगे, इनको रोजगार दो, इन बच्चों को नौकरियां दो ताकि ये कहीं पे मटकते हुए ना घूमे गाने पे, इनको अच्छे जगह ऑफिस में जगह दो, इन बच्चों ने पढ़ाई की है, तो इस तरह का काम इस सरकार ने किया है। दूसरा, जैसे ढाके रखा हुआ है, युवाओं को जब से जियो आया है बरगला दिया है, युवा चार वीडियो बना हुए हैं इंस्टा रील पर, वो इन्हें सोचे मार दो काम है, पूरा दिन नाचे जावा गाने लाकर है, उनको महसूस ही नहीं होने देते ये लोग कि तुम लोग बेरोजगार हो, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें लुभावनी दे दी, जियो दे दिया फ्री में, अरे जियो का क्या करेंगे, इनको रोजगार दो, इन बच्चों को नौकरियां दो ताकि ये कहीं पे मटकते हुए ना घूमे गाने पे, इनको अच्छे जगह ऑफिस में जगह दो, इन बच्चों ने पढ़ाई की है, तो इस तरह का काम इस सरकार ने किया है। दूसरा, जैसे डी ग्रुप के नाम पे एक बड़ा धोखा युवाओं के साथ किया है, जिन बालका ने पढ़ाई करी जी लाकर,
और उनकी पढ़ाई काम नहीं आई, उनको चपड़ासी तो कया नहीं, सीधा डी ग्रुप नाम दे दिया, और वो बच्चे वहां जॉब करते हैं जहां सामने उससे बड़ी कुर्सी पे उससे कम पढ़ा लिखा बैठा है। ये धोखा है युवाओं के साथ। इन्हीं धोखों को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी को लाने की विचारधारा है। अभी खिलाड़ियों के साथ भी बिल्कुल दुर्व्यवहार किया गया है, जो उनका स्पोर्ट्स कोटा था वो कोटा खत्म कर दिया गया है, आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है, जो सत्ता यहाँ पे है अभी, इनको हरियाणा से प्यार नहीं है, इस सत्ता को सिर्फ सत्ता से प्यार है। हरियाणा की बेसिक चीज है पहलवानी, पहलवानी तो हमारा हरियाणा जाना जावे है। अगर हरियाणा से पहलवानी को खत्म कर दोगे ना, तो नू मान लो किसी का कर्जा काट लिया आपने, पहलवानों को तवज्जो देनी पड़ेगी, ताकि हमारे देश का प्रदेश का युवा हमेशा मोटिवेट हो। जब खिलाड़ी को गोल्ड मेडल लाते देखते हैं ना, तो देश का युवा यूं सोचता है कि हम भी मेडल लाएंगे कदे, हम भी खेलेंगे, और उस सोच को लेके वो क्राइम से दूर होता है, गंदी चीज़ों से दूर होता है। तो पहलवानों को जिंदा रखो, पहलवानों को तवज्जो दो, और पहलवानों को जो रिवार्ड मिलना चाहिए वो हमेशा जो का त्यों रखो, बल्कि बढ़ा दो, कम ना करो। तो केडी सर, आपका क्या मानना है कि अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, ये सब चीजें कायम रख पाएगी? बिल्कुल रख पाएगी जी, मकसद ही है ये सब लोगों का। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। केडी स्टाइल में बताइए कि क्या मतलब किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन होने चाहिए? अब दिल्ली का दिल जीत लिया, दिल्ली का दिल जीत लिया, पंजाब में बाजी मारी से, इब हरियाणा की बारी से। Yeah.